हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने जाने वाला हूँ कि आईपीएल में कौन से टीमों ने प्लेयर को रिलीज़ किया है और कौन कौन से उसके नाम है। तो सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी, जो कि मेरी फेवरेट टीम है। तो उनके पास अभी पर्स में अवेलेबल है 8.75 करोड़ रुपीज़। तो उन्होंने रिलीज़ किया है जेसन बेरेनडॉर्फ, अनिश्वर गौतम, चामा मिलिन, लवनीत सिसोदिया और शेरफेन रदरफोर्ड। तो ये 5 प्लेयर्स को आरसीबी टीम ने जो है रिलीज़ कर दिया है इस आईपीएल से पहले। और उनके पास अभी जो फ़िलहाल जो पर्स में बचे हुए मनी है वो है 8.75 CR रुपीज़। तो ये है टीम आरसीबी के रिलीज प्लेयर। अब नेक्स्ट टीम है उसके बारे में आप बताने जाते हो, वो है राजस्थान रॉयल्स। उनके पर्स में लेफ्ट है 13.2 CR रुपीज़। उन्होंने जो है वो अपने रिलीज प्लेयर के उनके नाम है अनुनय सिंह, कॉर्बिन बॉश, डैरल मिचल, जेम्स निशम, करुण नायर, नेथन गुल्डर नाइल, रेसी वेंडर डुसेन, शुभम गढ़वाल और तेजस बरोका। तो इन्होंने भी 9 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है। तो ये है राजस्थान के प्लेयर्स। तो अब आते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। इनके पास है 23.35 CR रुपीज़। तो इन्होंने जो है रिलीज़ किए उन प्लेयर्स के नाम है एंड्रयू टाय, अंकित राजपूत, दुष्मंत चमीरा, इविन लुइस, जेसन होल्डर, मनीष पांडे और शाहबाज नदीम। तो ये है लखनऊ सुपर जायंट्स के रिलीज प्लेयर। तो अब आते हैं हम गुजरात टाइटंस। उनकी तरफ से उनके पास है अभी अवेलेबल 19.25 CR रुपीज़। तो उनके उन्होंने जो रिलीज़ किया है उसमें नाम है रेमन उल्ला गुरबाज, लोकी फर्ग्यूसन, डोमिनिक ड्रैक्स, गुरकिरत सिंह, जेसन रॉय और वरुण एरोन। तो उन्होंने 6 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है इस आईपीएल से पहले। तो ये है गुजरात टाइटंस के रिलीज प्लेयर। तो अभी हम नेक्स्ट टीम में बात करने जा रहे हैं, वो है चेन्नई सुपर किंग। उनके पास है अभी अवेलेबल 20.45 CR रुपीज़। तो उन्होंने जो रिलीज़ किए है वो है ड्वेन ब्रेहो, रॉबिन उत्तप्पा, एडम मिल, हरी निशांत, क्रिस जॉर्डन, भगत वर्मा के मासीबहन नारायण जगदीशन। तो उन्होंने भी 8 प्लेयर को रिलीज़ कर दिया है इस आईपीएल से पहले। तो ये है चेन्नई सुपर किंग के रिलीज़ होने वाले प्लेयर्स। तो उसके बाद नेक्स्ट टीम है दिल्ली कैपिटल्स। तो उनके पास है ऑक्शन के पर्स रिलेप में जो रुपीज़ है उनके पास है 19.45 करोड़। तो इन्होंने जो है 5 प्लेयर्स को रिलीज़ किया है उसमें है उनका नाम है शार्दुल ठाकुर, टीम साइफर्ड, अश्विन हेबार, श्रीकर भरत और मनदीप सिंह। तो ये 5 प्लेयर्स को दिल्ली ने इस बार रिलीज़ कर दिया है। तो ये है दिल्ली कैपिटल्स के रिलीज़ हुए हुए प्लेयर। अब नेक्स्ट टीम है उसका नाम है पंजाब किंग्स। तो पंजाब किंग्स के पास सबसे ज़्यादा पैसे है अभी इस बार 32.3 करोड़। और उन्होंने जो जो प्लेयर को रिलीज़ किया है उनमें है मयंक अग्रवाल, ओडियन स्मिथ, वैभव अरोड़ा, बेनी होवेल, ईशान पोरेल, अंश पटेल, प्रेरक मंगल, संदीप शर्मा एंड ऋतिक चटर्जी। तो उन्होंने भी 9 प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है और अभी उनके पास है 32.2 CR रुपीज़। और नेक्स्ट टीम है जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा प्लेयर्स को रिलीज़ किया है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो उनके ऑक्शन लिस्ट में 7.5 करोड़। तो उन्होंने पैट कमिंस, शैम बिलिंग्स, अमन खान, शिवम मावी, मोहम्मद नबी, जमिका करुणत्रे, एरन फिंच, एलेक्स हेल्स, अभिजीत टोमर, अजिंक्य रहाणे, अशोक शर्मा, बाबा इंद्रजीत, प्रथम सिंह, रमेश कुमार, रसिक सलाम और शेल्डन जैक्सन। इतने प्लेयर्स को उन्होंने इस बार रिलीज़ किया है। तो बहुत ज़्यादा प्लेयर को कोलकाता ने इस बार रिलीज़ किया और उनके पास बचे 7.5 करोड़। उसके बाद में आती है सनराइज़र्स हैदराबाद। सनराइज़र्स हैदराबाद के भी पास बहुत कम अमाउंट के पैसे बाकी है, 42.25 करोड़। और उन्होंने जो रिलीज़ किए उसमें केन विलियमसन, निकोलस पूरन, जगदीश सुचित, प्रियमगर, रवि कुमार समर्थ, रोमेरियो शेफर्ड, सौरभ दुबे, सीन एबॉट, शशांक सिंह, श्रेयस गोपाल, सुशांत मिश्रा एंड विष्णु विनोद। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम को इस बार सनराइज़र हैदराबाद में रिलीज़ किया है, जैसे कि केन विलियमसन एंड निकोलस पूरन। उसके बाद में आती है सबकी चाहिए थी मुंबई इंडियंस। उनके पास है 20.55 करोड़ अभी उनके पास बचे हैं। उन्होंने इस बार रिलीज़ किया है उनके मेन मैन मैच विनर कायरन पोलार्ड, अनमोलप्रीत सिंह, अरुण जुआल, बासिल थम्पी, डैनियल सैम्स, फैबियन एलन, जयदेव नाटकट, मयंक मार्कंडे, मुर्गन अश्विन, राहुल बुद्धि, राइली मेरेडिथ, संजय यादव एंड टिमाल मिल्स। तो ये जो प्लेयर्स है मुंबई ने इस बार रिलीज़ किए और उनके पास है 20.55 CR। तो आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, आपको अपने टीम के सब प्लेयर्स को जो रिलीज़ हुए वो आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरे को और
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।